तो अभी क्या है कि भाई हमें कोई होटल नहीं मिला है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नहाना तो ही है, बिना नहाए तो हम दर्शन कर नहीं सकते हैं। और तो यहाँ पे हमारी छोटी लेक है, छोटी गंगा जी बह रही है, इसी के अंदर अभी जाएंगे। और ठंड का मौसम समझ लो मतलब कि 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर होगा, बट कोई नहीं, अब जाएंगे। और भाई अब इसी मारेंगे डुबकी, ठंडी ठंड का टोपी मत भाई भाई बहुत रैली में, बट कोई नहीं, सब बाबा का आशीर्वाद है। हम बाबा के भरोसे पे आए हैं, बाबा हमारी सब मनोकामना पूरी करें। फाइनली अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, और मना करते हैं अंदर कैमरा ले जाने के लिए, बट हमने अंदर दर्शन किया। और ट्रस्ट भी मतलब ऐसा लगा अंदर जाके मतलब कि एकदम रिलैक्स काम, ये बाबा की कृपा थी जो बाबा ने हमें अचानक से बुला लिया। हेलो नमस्ते राम राम, कैसे हैं आप लोगों? तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो मेरा ब्लॉग है ये ब्लॉग है दिल्ली टू काठगोदाम की, जो कि हम जा रहे हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने। तो अभी हम हैं फिलहाल पुरानी दिल्ली में, और हमारी यहाँ से ट्रेन है जो कि रानीखेत एक्सप्रेस है, और यहाँ से जो पुरानी दिल्ली से जो खुलती है वो खुलती है 9:50 पे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इस ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा कि आप दिल्ली से कैसे नीम करौली बाबा के दर्शन कर सकते हैं, जाने का रास्ता कैसे, इस ब्लॉग में आपको मैं सब शेयर करूंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी हमारे साथ दो भाई और आ चुके हैं, ये खड़े हैं यहाँ पे, ये सुमित है और ये हमारा मोहित भाई, जो कि हम तीनों जा रहे हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने। फाइनली जो हमारी जो ट्रेन है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ गई है, और यहाँ से जो हमारी ट्रेन है खुलेगी और सुबह 5 बजे में पहुँचा देगी काठगोदाम। तो चलिए आपको ले चलते ट्रेन के अंदर, ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि हमारा कितना फेयर लगा और आप कैसे जा सकते हैं। तो इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा और आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, बस ये है कि आपको इस ब्लॉग में रहना पड़ेगा। अब तो ट्रेन स्टार्ट हो गई हमारी, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, बाबा की कृपा हमारे पास बने रहे, बाबा हमारे पास जरूर आ रहे हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे हम कल। जय नीम करौली बाबा की, जय नीम करौली बाबा की। बाय बाय दिल्ली, आपसे हम जल्दी मिलेंगे। यहाँ पे रहता भी है वाला। तो फाइनली जो अभी 4:54 हो रहा है, और हमारी ट्रेन जो पुरानी दिल्ली चली थी 9:50 पे, और फाइनली जो हमारी ट्रेन है 5 बजे आ गई है काठगोदाम। और हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, और पता करते हैं कि टैक्सी वाला कितना फेयर लेता है बाहर जाने के लिए, वो नीम करौली बाबा जाने के लिए, ठीक है। मिठाई और चीज़ बता रहा हूँ, और अभी अभी आप आ रहे हैं काठगोदाम तो कपड़ा ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं फील कर रहा हूँ कि हमें लग रहा था कि ज़्यादा ठंड होगी, बट हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आप बच्चों को लेके आ रहे हैं, फैमिली को लेके आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, अपने साथ कपड़ा जरूर रखिएगा, गर्म कपड़ा ज़्यादा। ये देखिए आप एक और चीज़ बता दूँ, जैसे अभी हम उतर गए हैं काठगोदाम से बाहर आए हैं, फर्स्ट टाइम जैसे मैं आ रहा हूँ, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम आते हैं, तो अगर आपको बस से जाना है तो आप काठगोदाम मत उतरना, आप उतरो हल्द्वानी, क्योंकि जो बस होती है कैंची धाम नैनीताल जाने के लिए वहीं से बन के जाती है। तो हमने गलती किया कि हम उतर गए काठगोदाम, और अब यहाँ से हम पता भी क्या बस स्टैंड का है, तो यहाँ से 10 रुपये लेता ऑटो वाला जो कि आपको ले जाएगा बस स्टैंड, फिर वहाँ से आपको इसी रूट से। फाइनली हम आ तो गए हैं नीम करौली बाबा पे, बट अभी एक दिक्कत ये आ रही है हमको कि हमें अब यहाँ पर कोई रूम नहीं मिल रहा है, चाहे कोई होटल नहीं मिल रहा कि जहाँ जाके हम आदमी फ्रेश हो ले, नहा ले। हम ये सोच रहे हैं कि पहले नहा लेते हैं, फ्रेश हो ले तब दर्शन करेंगे, बट हम यहाँ पे 4-5 जो होटल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सब होटल है, हम यहाँ पे हर जगह पता किया, हर जगह जो रूम है वो फुल है। अभी थोड़ी देर आगे और जा रहे हैं, और किसी ने बोला कि आगे चले जाओ, आगे आपको रूम मिल जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं आगे रूम पता करने कि वहाँ मिल जाए, तो आधे घंटे वहाँ रुक के नहा के फ्रेश हो के तब बाबा के दर्शन करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, अगर रूम मिलता है तो आपको बताता हूँ कि रूम हमें मिला कि नहीं मिला। तो अभी क्या है कि भाई हमें कोई होटल नहीं मिला है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नहाना तो ही है, बिना नहाए तो हम दर्शन कर नहीं सकते हैं। और तो यहाँ पे हमारी छोटी लेक है, छोटी गंगा जी बह रही है, इसी के अंदर अभी जाएंगे। और ठंड का मौसम समझ लो मतलब कि 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर होगा, बट कोई नहीं, अब जाएंगे। और भाई अब इसी मारेंगे डुबकी, ठंडी ठंड का टोपी मत भाई, अब देखते क्या होता है। जय बाबा की।
ये हमारे भाई लोग अभी फ्रेश हो रहे हैं। नहीं हो रहा हूं भैया। हैं? शेर कभी ब्रश करता है? देखते हैं अभी करते हैं। चलो नदी में आ गए, मजा आ जाएगा। आएंगे बिल्कुल, डुबकी लगाएंगे बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में। कपड़ा सीधा कर लो, नहीं तो आज ठंड लगेगी बहुत ज्यादा। भाई एडवेंचर होता है ऐसी लाइफ में, कभी कभी होनी चाहिए। मुंह से निकल के भाव जो होगा देखा जाएगा। बाबा की जय हो। भाई 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 अकेला नहीं जाएगा तू। जूते में गिरे, ठंड लग रही है। पत्थर है यहाँ पे छोटे छोटे। ओए ओए मुझे ठंड लग रही है। तेरा भाई सिकंदर, तू मेरा बंदर। ओह पत्थर, ये छोटे पत्थर है भाई, कितनी ठंड है। जल्दी जाओ ना, क्या डुबकी लगा के आना। और छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, रुक जा। बात तो भी ना क्या हो गया क्या? अरे अब ठान लिया तो ठान के नहाएंगे, तो नहाएंगे आओ फड़ो तो भाई, आ जाओ अरे भाओ फड़ो। अबे पैर बहुत ठंडा लग रही है मोहित। ओ भाई बेरन ठंडा है, बहुत ठंडा भाई। आ जाओ तुम पास आओ, पास आओ। ये क्या बात है, आ जाओ भाई। ये गजब। ये क्या बात है। लो पकड़ना भाई, कॉल किसकी है? ये कॉल मेरी है। और ये हमारे अंडरमैन और इधर हमारे अंडरी मैन, दोनों अभी डुबकी लगा के आए हैं। भाई बहुत ठंडा है, हम नहाएंगे भाई। भाई दोगे? मामा दे दोगे? भाई शरीर से देखो कितनी धुआं निकल रही है भाई, बहुत रियली में। बट कोई नहीं, सब बाबा का आशीर्वाद है। हाँ। हम बाबा के भरोसे पे आए हैं, बाबा हमारी सब मनोकामना पूरी करे। ओके ओके गाइस, उसको कहाँ करें, हम भी नहा लेते हैं। अब कुछ भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे नहाने। ये भी भाई हम चल दिए। बोलो नीम करोड़ी बाबा की जय। सब चल दिया अब बाबा, सब भाई चलो चलो जय। इधर कर गए, इधर घूम के, इधर घूम के। ये थ्री नाम लेगा बाबा का। ये बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से चोट नहीं लगी? नहीं नहीं। हाँ ओह झपटने वाले पत्थर भाई, ठंडे आलम इतना झपटना नहीं। अब भाई अब कपड़े पहनते हैं, नहीं तो बहुत शरीर कांप रहा है। कैसा लगा? ओ बहुत सर्दी है, बहुत बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। नवा दिया भाई ने। तो फाइनली जो हम हैं यहीं पे स्नान करके, और अभी हमने अपना कपड़ा बदल लिया है। और एक चीज़ बता दूँ यार, एक बहुत थोड़ा सा इंसिडेंट हो गया। ये भाई थे, भाई ने अभी देखा भाई स्लिप हो गए थे ना, तो भाई के अंगूठे में ना पता नहीं चला, ज़्यादा लंबा कट हो, ब्लड बहुत निकल रहा है, तो भाई को ले जाएंगे। तो आगे है हमारा मंदिर, निकोटी बाबा मंदिर। उससे 100-200 मीटर आप आगे आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा मंदिर दिखेगा। यहाँ मंदिर आएंगे तो यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट के नीचे से एक रास्ता जा रहा है यहाँ पे। इसी रास्ते से आप नीचे चले जाना और सबसे आगे वो पत्थर दिख रहा है, चाहे वहाँ पे जाना। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा रिजॉर्ट नहाने के लिए, ठंडा जरूर लगेगा एक सेकंड के लिए जैसे आपने देखा था, बट उसके बाद से बॉडी में भाई बहुत रिलैक्स मिलेगा। और ये हमारा भाई, बाई मिस्टेक गिर गया और भाई के पैर में लग गई चोट, थी भाई को ले जा रहे पट्टी करवाने। आराम से उतरना भाई, पानी में जाओ तो आराम से, बिल्कुल आराम से उतरना रखा है। क्योंकि हम मैंने भी जल्दबाजी कर दी थी, जैसे हमने डुबकी मारी मतलब बहुत तेज ठंडा लगा, बट अभी जाके नॉर्मल हो गया बॉडी। बट भाई के साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया, बाकी कोई बात नहीं, चलते अब करेंगे बाबा के दर्शन। तो फाइनली जो हमने जो भाई का है बैंडेज करवा दिया है, और ये सारे भाई लोग आ गए हैं। मिस्टर सुमित, मोहित, अपना भाई
और अब जा रहे हैं और अब लेंगे हम प्रसाद और जाते हैं और करेंगे बाबा जी के दर्शन। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको सब ब्लॉग दिखाएंगे। सुमित इधर ले लेते ना, आते अरे यहाँ से ले लेते दादा। और देना तो फाइनली हमने प्रसाद वो ले लिया है और अब जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। फाइनली अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था और मना करते हैं अंदर कैमरा ले जाने के लिए, बट हमने अंदर दर्शन किया और ट्रस्ट में मतलब ऐसा लगा अंदर जाके मतलब एकदम रिलैक्स काम। ये बाबा की कृपा थी जो बाबा ने हमें अचानक से बुला लिया, बढ़िया दर्शन हो गए भाई। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अब बाबा फिर से हमको बुलाए और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल। अब नैनीताल में जाके वहाँ बनाते हैं अगला ब्लॉग। तब सारे बोलो करौली नीम करौली बाबा की जय जय। तो ये वाला ब्लॉग करते हैं एंड, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।